हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नरेंद्र और आज हम जानेंगे कई कस्टमरों की हमारे पास क्यूरी आती है कि हमारी कोई फ़ोटो है, डॉक्यूमेंट हो गए या वीडियो होगी, कोई भी है, प्राइवेसी में रखना चाहते हैं अपनी फ़ोटो को, वीडियो को, डॉक्यूमेंट को। तो कई कस्टमर आते हैं कि हमारी फ़ोटो को छुपाना है, कोई देख ना सके, या हमारे कोई डॉक्यूमेंट है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, वो उसको कोई देख ना सके। कई बार हमारा फ़ोन कोई यूज कर लेता है और वो डॉक्यूमेंट को, कोई ज़रूरी फ़ोटो है, उनको देख लेता है। तो उसके लिए कई कस्टमर क्या करते हैं, थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। उस एप्लीकेशन की वजह से फ़ोन हैंग होने लगता है और दिक्कतें करता है, वो उसकी ऐड आने लगती है कई तरह की। तो इसमें क्या कर रखा है, वीवो ने एक यूनिक फीचर दे रखा है सेव फाइल का। उसके अंदर अपनी कोई भी फाइल होगी वो सेव कर सकते हैं हम। चलो आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपनी होम स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, ये फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपकी कोई भी फ़ोटो, पहले इसका सेव फाइल, ये सेव फोल्डर है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। कोई भी अपना पिन बनाओ यहाँ पे, जैसे मैंने मेरा पिन बना दिया, ये पिन बना दिया। तो यहाँ पे आप कोई भी फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, अपने रिकॉर्डिंग, कोई भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं गया अभी यहाँ पे, फ़ोटो पे क्लिक किया, मैंने कोई भी फ़ोटो लगानी है, जैसे मैंने ये फ़ोटो छुपानी है मैंने। तो क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटो पे गए, यहाँ पे क्लिक करना है मूव टू सेव फोल्डर। ये सेव फोल्डर के अंदर अपना पिन लगाओ, यहाँ से रिमूव हो जाएगी ये यहाँ से ये फ़ोटो रिमूव होगी। ये मेरी ये सेकंड फ़ोटो है, ये दो, ये कोई भी आप जैसे ये भेजे हुए हैं यहाँ पे, कोई भी होगी, ये फ़ोटो छुपानी हो, कोई भी फ़ोटो, ये फ़ोटो छुपानी है, जैसे यहाँ गए मूव टू सेव फोल्डर 7077, मैंने अपना फोल्डर लगा दिया, ये होगी। अब ये फ़ोटो यहाँ से मूव होगी, यहाँ पे फ़ोटो नहीं मिलेगी आपको, ये फ़ोटो कहाँ मिलेगी आपको, सेव फोल्डर यहाँ पे ओपन करोगे 707, मेरा फोटो डाल दिया यहाँ पे। ये फ़ोटो एक तो ये डाली थी, एक ये फ़ोटो डाली थी, ये दो फ़ोटो डाल रखी है, ये यहाँ पे सेव फोल्डर के अंदर पड़ी है मेरी। यहाँ पे कोई किसी को दिखाई नहीं देगी, चाहे आप गैलरी पे जाओ कहीं नहीं दिखाई देगी आपको। यहाँ ये फ़ोटो देखनी है तो कहाँ जाना है, सीधे आप गए अपनी फाइल्स में गए। फाइल में जाने के बाद आपको यहीं से सेव फोल्डर पे गए, यहाँ पे आपको मिल जाएगी आपकी वीडियो। थैंक यू। और आप ये भी चाहते हो अपनी ऑडियो भी छुपा सकते हो। ऑडियो जैसे ये ऑडियो होगी, ये आप ऑडियो भी छुपा सकते हो, यहाँ पे मूव टू सेव फोल्डर, ये सेव फोल्डर के अंदर गई, यहाँ से डिलीट होगी, सेव फोल्डर के अंदर गई वो। अपने डॉक्यूमेंट चाहते हो, डॉक्यूमेंट भी हो जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट हो गए, मूव टू सेव फोल्डर, ये डॉक्यूमेंट भी गायब, ये मिलेगा कहाँ पे आपको, सेव फोल्डर के अंदर। कोई भी आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अपने यहाँ पे सेव फोल्डर के अंदर डाल लिया, वहाँ से कुछ दिखाई नहीं देगा, ये सेव फोल्डर के अंदर पड़े हैं, इसका पिन सिर्फ आपको पता है और किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डालने की ज़रूरत नहीं है, ना आपका फ़ोन हैंग करेगा, ना थर्ड पार्टी ऐप है, ना कोई ऐड आन लग रही है। आजकल क्या होता है, थर्ड पार्टी ऐप की वजह से निरी ऐड आने स्टार्ट हो जाती है, जिससे अपनी फ़ोन की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। इस वजह से आपको वीवो ने ये सेव फोल्डर का ऑप्शन दे रखा है, इसमें अपनी कोई भी फ़ोटो, वीडियो, अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें सेव कर सकते हो। थैंक यू।